हेलो। हाँ बोलते तो कैसे अपने घर पर अच्छे हैं? अच्छी बात है। अच्छे हैं तो आज चार के जो छात्र हैं उनको मैं बताऊंगा और उसका जो आज का टॉपिक है आर्ट लव कंपेरिजन है नर्मदा की आर्ट कथा। नर्मदा नदी की आर्ट कथा के बारे में बच्चों जानकारी है। बच्चों आइए सीखे क्या सीखते हैं पढ़ते हैं आर्ट कथा को पढ़ना और सुनना। आर्ट कथा को पढ़ना और सुनना पहली बात। दूसरा है वाक्यों के लिए एक शब्द बनाना, प्रकृति की सुंदरता को व्यक्त करना, सही वर्तनी, पर्यावरण शब्द तो जो नर्मदा नदी हूँ और शुरुआत करता है। नदी कैसी है अपने बारे में रहती है कि मैं नर्मदा नदी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं भारत में हूँ। जहाँ नदियों को माँ और उनके जल को अमृत के समान माना जाता है, मुझे भारत की प्रमुख नदियों में गिना जाता है। मैं साल भर अपने विशाल साम्राज्य का प्रतीक हूँ। मेरा नाम भी बड़ा अर्थपूर्ण है। नर्म का अर्थ है सुख और दा का अर्थ है देने होगी। नर्मदा माने सुख देने। मेरा एक नाम रेवा भी है। नर्मदा नदी का मेरा नाम रेवा भी है। देश की दूसरी प्रमुख नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। हमारे देश में जो नदियां हैं है तो हमेशा पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बहती है। लेकिन नदी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। मेरा वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में है। मेरे जन्म के संबंध में भी अनेक पौराणिक कथाएं हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के बरकंठक पहाड़ से निकली हूँ। यहाँ एक प्राकृतिक कुंड है। मेरा जन्म इसी कुंड से हुआ है। इसलिए इसका नाम नर्मदा कुंड पड़ गया है। देवी जाने बरकंठक पहुंचने के लिए कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर पेंड्रा रोड सबसे नजदीकी स्टेशन है। पेंड्रा जिनकी ज्यादा हो सकता तो अपने बिलासपुर रेल मार्ग पर पेंड्रा रोड में वही कुछ स्टेशन वही रोड में वही से जबलपुर और कोंडला दोनों ये सड़क मार्ग से भी हम यहाँ पहुंचते हैं। जबलपुर और मंडला रोड सड़क मार्ग से यहाँ पहुंचते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों। नर्मदा कुंड से निकलकर मैं बहुत पत्नी धारा के रूप में कपिल आश्रम तक आती हूँ। जहाँ नर्मदा कुंड है वहां से निकल करके मैं बहुत पत्नी धारा कपिल आश्रम प्राचीन काल में यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। यहाँ से मैं एक प्रपात के रूप में नीचे गिरती हूँ। प्रपात कौन सा है? झरना। तो झरना पहाड़ों से आते हैं और वहां से पानी जो मिलता है उनके पहाड़ों में उसको प्रपात कहते हैं। तो बता रही है नर्मदा
बोला खुद कि यहाँ से मैं एक कपाट शुरू हुए उनकी गलती हो, इस कपाट का नाम कपिल धारा है। तो बात समझ गए बच्चों, कपिल धारा। आगे कुछ आगे चलकर मेरा एक और छोटा सा बात है, यहाँ गलती हुई मूल धारा के समान प्रकृति होती है, इसलिए इसका नाम दूध धारा। क्या है? दूध धारा। तो बात है तो दूध सफेद दूध की तरह दिखाई पड़ती है, इसको दूध धारा जल प्रपात भी कहते हैं। डिंडोरी और मंडला जिलों से निकल कर मैं जबलपुर में रहती हूँ, यहाँ मेरा पाठ काफी थोड़ा हो जाता है। मेरे एक और वृद्ध पर्वत की हो शतपुड़ा पर्वत मालाएं है, एक तरफ वृद्ध पर्वत है उसकी तरफ शतपुड़ा पर्वत माला है, उनके बीच में कल कल छल छल बचती रहती हूँ। जबलपुर जिले में मेरी धारा को रोककर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है, वहां पर जबलपुर में इसका नाम बद्री बांध है। जबलपुर में मेरी जिस धारा को रोककर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है, इसका नाम बद्री बांध है। इससे बहुत बड़े क्षेत्र की सिंचाई होती है, बनाई जाती है। जबलपुर के निकट मेरी जगह देश से ही बनती है, मैं यहाँ भेड़ा घाट नाम का स्थान पर मनमोहक प्रभात बनाती हूँ। नीचे गिरती मेरी जमीन में होते मेरे की गिरती है, इसलिए इसका नाम भुवन ढाल है। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात
फिर नौ नंबर से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखें आगे सुनते हैं, मुझ पर बने मानों से हजारों लोगों को स्थापित होना पड़ा है, मुझे इसका बहुत दुख है। बात नदी में या बड़ी नदियों में वहां पर जो शहर होते हैं, जो गांव होते हैं, उनको वहां से स्थापित करिए। भैया यहाँ चले जाओ, एक पानी बढ़ जाएगा तो उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है, स्थापित होते हैं। वो सरकार मुआवजा देती है, वो दलदला क्या कह रही है कि कुछ पर बने मानों से हजारों लोगों को स्थापित होना पड़ा है, मुझे इसका बहुत है। और ये संतोष भी है कि इसके लाखों जाएगी मछली पालन होगा तथा गाँव शहरों और उद्योगों को बढ़ेगा। यहाँ से आगे मैं समुद्र में मिल रहे फिर पड़ती हूँ, गुजरात के पड़ोस होने में प्रवेश योजनाओं के स्थान पर हम आज हेलो हेलो हाँ बच्चों आगे पढ़ाते हैं। बीच में तकनीकी गड़बड़ी आ जाने के कारण रात में बाधा उत्पन्न हो गई थी। आगे देखते हैं, यहाँ से यदि बता देते हैं मुझ पर बने वालों से हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, मुझे इसका बहुत दुख है। पर ये संतोष भी है कि इससे लाखों हेक्टेयर मछली पालन होगा तथा गांवों शहरों और उद्योगों को बिजली मिलेगी, पर्यटन भी बढ़ेगा। अगर जो यहाँ से आगे मैं समुद्र में मिलने की प्रति हूँ, गुजरात के गांव में सुमेश योजनाओं के स्थान पर हम बात की खाड़ी में गिरकर मैं अरब सागर में संभव करती हूँ, मैं अपने जन्म स्थान से लेकर समुद्र में मिलने तक सबको करती हूँ, स्नान कर भक्तों को शांति मिलती है, ये भक्त बहुत पवित्र मानते हैं। मेरे तट पर अनेक गांव और नगर बसे हैं तथा अनेक द्वार है, इसीलिए बहुत बुरा लगता है कि एक ओर तो लोग मेरी पूजा करते हैं, दूसरी ओर
खुदा के लिए लोगों की मूर्तियां मुझे बहुत खुशी हैं। उस मूर्तियां को पूछो ये कैसे मिली, तो कैसे मिल गई भाई बाप रे बड़ा भैया ऐसे को मिले हैं। इतना प्यार भरा इसमें में लोग होते के प्रसन्न हो रहे हैं जैसे बालक तो उसकी माता पिता से हुए हो तो उनकी भावना से हम आएंगे अली खान आपको बुलाएंगे।